सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है Instagram Wild Tips पर सिद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप Instagram पे अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे आप डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है और आप चाहते हैं कि अकाउंट को डिलीट ना करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है। तो जैसे ही आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में आते हैं, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऊपर तीन बार वाला आइकन दिखेगा, प्लस वाला आइकन के बाद आपको एक बार का आइकन दिखेगा जिसमें तीन लाइन ड्रॉ हुई हुई होगी, उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सेटिंग वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है आपको। एंड उसके बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प वाला, ठीक है, तो उस पर अपन क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक सेकेंड नंबर ऑप्शन और दिखाई देगा हेल्प सेंटर का, अब आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं, तो कुछ देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है। तो आपको नीचे करके आना है। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज देख लेनी है कि अगर आपकी लैंग्वेज कुछ चेंज हो रखी है, तो आपको इंग्लिश यूएस पे टिक कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ऊपर थ्री लाइन बार पर क्लिक करेंगे, सर्च वाले आइकन के पास में तीन लाइन बार है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑप्शन चूज़ करना है, मैनेज योर अकाउंट। तो जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ हेल्प सेंटर का इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिलीट योर अकाउंट, जबकि ये पहले आपको शो नहीं होता था। तो जैसे इंस्टाग्राम को जो नया अपडेट आया है, उसमें आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है डिलीट योर अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे हाउ डू आई टेम्परली डिसेबल माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपको टेम्परली करना है, तो आप टेम्परली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट सेकेंड नंबर वाला हम चूज़ करेंगे, एंड उसके बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट, तो इस पर टैप करेंगे और क्लिक करके ओपन करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, तो कुछ इस तरह का आपको इसमें इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे पेज का नाम आ गया, वाई डू यू वॉन्ट टू डिलीट मोटिवेशन थॉट्स डे, ठीक है। तो ये आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं, उसका कोई आपको रीजन डालना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ सेकेंड अकाउंट, क्योंकि मैं एक नया अकाउंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डाल देना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिलीट मोटिवेशन थॉट्स डे, ठीक है। यदि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपका अकाउंट इसमें डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू कंटिन्यू योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी डिलीट ऑन July 3, 2022, ठीक है। यू वॉन्ट बी विजिबल ऑन इंस्टाग्राम बिटवीन नाउ एंड देन। इफ़ यू चेंज योर माइंड, यू कैन लॉग बैक इन बिफोर द डिलीक्शन डेट एंड चूज टू कीप योर अकाउंट। इसका मतलब क्या है, अगर आप इससे पहले अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं, तो वो आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा, नहीं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये आपको डेट दिखा रहा है July 3, 2022, ठीक है। अगर आप एक महीने के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं, तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड को एंटर करेंगे, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करना है। तो डिलीट पे मैसेज क्लिक किया, यहाँ पर ओके करेंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और आपका पेज रिफ्रेश होकर इंस्टाग्राम का जो पेज है, मेन लॉगिन पेज, वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपका मन चाहता है कि मैं फिर से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लूँ, कोई अगर आपका बैकअप हो या कोई डेटा आपको सेव करना हो, तो आप अपना अकाउंट को लॉगिन करके अपने डेटा को सेव कर सकते हैं और दूसरे अकाउंट में अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, नीचे कमेंट के जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज अपने बाकी दोस्तों के शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए, तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।